आगे बढ़े और आपको बताएं कि डॉलर की कीमत फिर बढ़ने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 158.40 से बढ़कर 158.65% बढ़ चुका है। इस पर बात करेंगे बोनस के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील बताइएगा। देखिए डॉलर आज कारोबार के आधार से 25 पैसे महंगा हुआ था और उसके बाद 158.65 रुपए पर जो है वो ट्रेड जो है वो पहुंच गया था। एक बार फिर अगर मजबूत और 25 पैसे के ऐसे मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया तो डॉलर जो है वो 158.90 रुपए का जो है वो हो चुका है। तो ओवरऑल जो है वो डॉलर में तेजी देखी जा रही है। और इसी तरह अगर हम बात कर ले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तो मार्केट में पहले जो है वो मंदी का आगाज हुआ उसके बाद तेजी और फिर एक बार फिर जो है वो मंदी रिकॉर्ड की गई। लेकिन इस वक्त जो करंट इंडेक्स है वो 35,000 जो है वो 600 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और 120 पॉइंट जो है वो मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ठीक है काफी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डॉलर की कीमत फिर बढ़ने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 158.40 से बढ़कर 158.65% बढ़ चुका है। इस पर बात करेंगे बोनस के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील बताइएगा। देखिए डॉलर आज कारोबार के आधार से 25 पैसे महंगा हुआ था और उसके बाद 158.65 रुपए पर जो है वो ट्रेड जो है वो पहुंच गया था। एक बार फिर अगर मजबूत और 25 पैसे के ऐसे मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया तो डॉलर जो है वो 158.90 रुपए का जो है वो हो चुका है। तो ओवरऑल जो है वो डॉलर में तेजी देखी जा रही है। और इसी तरह अगर हम बात कर ले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तो मार्केट में पहले जो है वो मंदी का आगाज हुआ उसके बाद तेजी और फिर एक बार फिर जो है वो मंदी रिकॉर्ड की गई। लेकिन इस वक्त जो करंट इंडेक्स है वो 35,000 जो है वो 600 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और 120 पॉइंट जो है वो मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ठीक है काफी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डॉलर की कीमत फिर बढ़ने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 158.40 से बढ़कर 158.65% बढ़ चुका है। इस पर बात करेंगे बोनस के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील बताइएगा। देखिए डॉलर आज कारोबार के आधार से 25 पैसे महंगा हुआ था और उसके बाद 158.65 रुपए पर जो है वो ट्रेड जो है वो पहुंच गया था। एक बार फिर अगर मजबूत और 25 पैसे के ऐसे मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया तो डॉलर जो है वो 158.90 रुपए का जो है वो हो चुका है। तो ओवरऑल जो है वो डॉलर में तेजी देखी जा रही है। और इसी तरह अगर हम बात कर ले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तो मार्केट में पहले जो है वो मंदी का आगाज हुआ उसके बाद तेजी और फिर एक बार फिर जो है वो मंदी रिकॉर्ड की गई। लेकिन इस वक्त जो करंट इंडेक्स है वो 35,000 जो है वो 600 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और 120 पॉइंट जो है वो मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ठीक है काफी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डॉलर की कीमत फिर बढ़ने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 158.40 से बढ़कर 158.65% बढ़ चुका है। इस पर बात करेंगे बोनस के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील बताइएगा। देखिए डॉलर आज कारोबार के आधार से 25 पैसे महंगा हुआ था और उसके बाद 158.65 रुपए पर जो है वो ट्रेड जो है वो पहुंच गया था। एक बार फिर अगर मजबूत और 25 पैसे के ऐसे मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया तो डॉलर जो है वो 158.90 रुपए का जो है वो हो चुका है। तो ओवरऑल जो है वो डॉलर में तेजी देखी जा रही है। और इसी तरह अगर हम बात कर ले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तो मार्केट में पहले जो है वो मंदी का आगाज हुआ उसके बाद तेजी और फिर एक बार फिर जो है वो मंदी रिकॉर्ड की गई। लेकिन इस वक्त जो करंट इंडेक्स है वो 35,000 जो है वो 600 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और 120 पॉइंट जो है वो मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ठीक है काफी बहुत शुक्रिया आपका।